नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है 13 नवंबर, हालांकि उत्तर प्रदेश और दूसरे कई राज्यों में उपचुनाव में तारीखें बदल दी गई, 20 नवंबर कर दी गई, लेकिन राजस्थान की तारीख वही है 13 नवंबर। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस और दूसरी प्रमुख पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं, बाप और रालोपा, वो वोटों को कंसोलिडेट करने की तरफ बढ़ रही हैं। भाजपा इस चुनाव में खास रणनीति के तहत काम कर रही है, कांग्रेस में वो रणनीति अभी देखी नहीं जा पा रही है। भाजपा ने आइडेंटिफाई किया है किस विधानसभा क्षेत्र में किस समाज के कितने वोट हैं, कौन से वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जिन्हें तोड़ा जा सकता है, कौन से वोट हैं जो अपने हैं इनको इंटैक्ट बना के रखना है, और उस समाज के नेताओं को ला करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिम्मेदारी सौंप दी है। आज हमारी बातचीत का मुख्य मकसद यही है, बताना आपको कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को जातिगत आधार पर जिस इलाके में जिस जाति का जोर है, वोट हैं जिसके, उनके वोटों को तोड़ने जोड़ने के काम में लगी है। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की। क्षमा करें, आज दौसा में बड़ी सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को। जो एक बड़ा समाज था कोली महावर समाज, कोली आप जानते हैं भरतपुर से लेकर दौसा तक बड़ी कौम है, और बहादुर सिंह कोली और रामस्वरूप कोली ये सब सांसद बनते आए हैं भरतपुर से, तो वो बयाना, भरतपुर, दौसा, कोली महावर समाज बड़ा महत्वपूर्ण समाज है। दौसा में ये SC समाज है, शेड्यूल कास्ट का, और कांग्रेस का प्रत्याशी SC का है। ये समाज भी परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है दौसा में, पिछले चुनाव में भी रहा है, लेकिन आज बड़ा घटनाक्रम ये हुआ, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और पूर्व विधायक गीता वर्मा ने कोली महावर संस्थान में महावर समाज के प्रमुख नेताओं को इकट्ठा किया, प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया, बात की, और बातचीत के बाद उन्हें इस बात पर सहमत कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और महावर समाज ने किरणलाल मीणा को साफा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा को वोट देने की घोषणा कर दी। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि भाजपा को दो काम करने हैं वहाँ पे, कांग्रेस का कौन सा वोट पिछली बार जो कांग्रेस के साथ था उसे हम तोड़कर ला सकते हैं, और कौन सा भाजपा का वोटर है जिसको इंटैक्ट बना के रखा जाए, भाजपा का वोटर बिदकने ना पाए, ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ था पिछली बार, वो BJP के साथ बना रहे, और चूंकि कैंडिडेट मीणा है, जगमोहन मीणा, जो कि मीणा समाज पूरी तरह पुनारीलाल मीणा के साथ कांग्रेस में था पिछली बार, जो जीतकर विधायक बने थे, अब सांसद हो गए, तो वो मीणा वोट, अगर सबसे बड़ी कम्युनिटी मीणा है उस इलाके में, वो जगमोहन मीणा की वजह से अगर BJP में वोट पड़ गया, तो फिर BJP को सिर्फ इतनी बड़ी चुनौती देखनी है कि हमारे अपने वोट जो हमारे वोटर थे, वैश्य हैं, महाजन हैं, सैनी हैं, इन सबको इंटैक्ट बनाकर रखा जाए, इस कोशिश में BJP लग गई है। और भागचंद टाकरा जो पास में ही बांधी हुई की सीट पर हैं, वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं गांव से गांव तक, ताकि सैनी समाज के वोट इंटैक्ट बने रहें BJP के साथ। और किस तरह जवाहर सिंह बेडम, चूँकि सचिन पायलट का इलाका, कल सचिन पायलट ने दौरा किया था वहाँ पर, तो जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं और गुजर हैं, वो भी इस इलाके में, क्योंकि गुजर वोट पिछली बार पूरी तरह कांग्रेस के साथ गया था, कैसे उन्हें तोड़ा जा सकता है, कितना तोड़ा जा सकता है, इस पर वर्क कर रहे हैं जवाहर सिंह बेडम। और जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, वो भी आज दौसा जिले में प्रचार प्रसार में लगे रहे, उन्होंने दोनों ने प्रेस को भी संबोधित किया, और किस तरह SC का वोट तोड़ा जाए, किस तरह गुजर वोट तोड़े जाए, और किस तरह भाजपा को इंटैक्ट बना के रखा जाए, इस योजना में आज दोनों मंत्री यहाँ लगे रहे, और एक बड़ी सफलता कोली महावर समाज के फैसले से मिली। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं मदन दिलावर और हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। जिस तरह से आम जन में राजस्थान की सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, आज लोग चर्चा करते हैं कि विदेशी निवेश ला करके राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, यहाँ निवेश बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बने, इसके लिए हम दौसा का प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी का भेजकर इस दौसा को भी विकास की दौड़ में शामिल करके अपने आप को विकसित राजस्थान की यात्रा में शामिल करेंगे। ये संकल्प यहाँ की जनता ने लिया है और निश्चित रूप से 13 तारीख को वोटिंग होगा, 23 तारीख को कमल खिलेगा, जगमोहन मीणा 50,000 वोटों से जीतेंगे। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखती रह जाएगी। मुद्दे हमको बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब देख रही है कि किस प्रकार से प्रदेश के लोगों का सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान हो रहा है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से सम्मान हो रहा है। कांग्रेस से बड़ी झूठी पार्टी वर्ल्ड में कोई नहीं है, वो आंखों पर पट्टी बांध के घूम रही है, उसको कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे नेत्रहीनों का समूह कांग्रेस हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। दौसा के बाद अब चलते हैं झुंझुनू की तरफ। झुंझुनू में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अब उद्योग मंत्री राजस्थान में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ओलंपियन हैं, वो भी आज वहां गए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो पूर्व सैनिक के दीपावली स्नेह मिलन समारोह को संबोधित किया। खुद पूर्व सैनिक हैं, कर्नल रहे हैं सेना में और इस जगह पर उन्होंने जो कि देश में सबसे ज़्यादा, देश का तो ना कहें लेकिन पूरे प्रदेश का तो सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला जिला झुंझुनू, सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक जहाँ हैं वो झुंझुनू, वहाँ के दीपावली स्नेह मिलन सरकार समारोह में उन्होंने भाजपा सरकार और भाजपा के साथ जुड़कर अपनी और झुंझुनू की प्रगति करने की का आह्वान किया। और दिया कुमारी ने वहाँ पर प्रेस को भी संबोधित किया और काफ़ी जगह उन्होंने प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ झुंझुनू में एक पिक्युलर सिचुएशन है क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र बांबू भी जाट हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी जाट हैं, वो ओला परिवार के हैं, अमित ओला। ओला परिवार पुश्तैनी रूप से, खानदानी रूप से शीशराम ओला, ब्रजेंद्र ओला, ये सब उनकी पत्नी, ये सब यहाँ पर काबिज रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, लंबे समय तक मंत्री रहे। उनके एक तरह से वो शाही परिवार है वहाँ का झुंझुनू का, उसको चुनौती देने के लिए राजेंद्र बांबू को टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा भी पूर्व मंत्री निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो बड़ा संकट ये बीजेपी के लिए है कि क्या राजेंद्र गुड़ा दो जाट प्रत्याशियों के बीच में राजपूत प्रत्याशी के रूप में राजपूतों की वोट अटैक कर पाएंगे, जबकि राजपूत वोट परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है। इसलिए आज दोनों जो मंत्री गए, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजपूत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी राजपूत, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक पूर्व सैनिक भी, कर्नल भी रहे हुए, और उन्होंने संबोधित भी इस तरह किया कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं को एड्रेस किया, पूर्व सैनिकों को एक उनको आह्वान किया। तो उसकी तरफ दूसरी तरफ राजेंद्र गुड़ा इस कोशिश में लगे हैं कि कुछ वोट बीजेपी के अपने साथ ले उड़े, कुछ वोट कांग्रेस ले उड़े। इसमें उनको भी सफलता मिली कि आज वो मुस्लिम समाज के एक वर्ग को अपने साथ लेने में सफल हुए, तो वो मुस्लिम एससी भी उधर से कांग्रेस तोड़ना चाहते हैं, राजपूत बीजेपी से तोड़ना चाहते हैं, दो जाट प्रत्याशियों के बीच में राह बनाना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा दिया कुमारी ने और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज झुंझुनू में। निश्चित रूप से झुंझुनू में भी कमल खिलेगा, राजेंद्र जी भांबू साहब जीतेंगे, बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, सातों सीटों पे कमल खिलेगा। मैंने यहाँ देखा इतना उत्साह है, आम जन में इतना उत्साह है कि वो बहुत खुश हैं कि उनको दोबारा मौका मिले। झुंझुनू में बजट में 250 करोड़ कामों की स्वीकृति हो चुकी है और क्योंकि अब आचार संहिता लग गई इसलिए कुछ काम तो शुरू हो गए और कुछ काम इसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर विधायक नहीं था उस समय भी देखिए आप, हम लोगों ने पक्षपात नहीं किया जो कि कांग्रेस करती थी, और अब जब ये हमारे राजेंद्र जी बनेंगे, विधायक बनेंगे यहाँ से, तब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और भी बड़े बड़े काम लेकर वो आएंगे। उपचुनाव के समय यहाँ पर मुझे विश्वास है जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में और राज्य में करा है, इसलिए काम बोलता है, केवल खाली नारे नहीं। जिस समय जिम्मेदारी दी थी उस समय अपनी जिम्मेदारी छोड़ने वाली पार्टी को पूरा प्रदेश देख चुका है,
देश के अंदर जो बार बार रिपीट होती है राज्यों के अंदर, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जो नया राजनीतिक युग मोदी जी लेकर आए हैं, जनता ने उसको दिल खोलकर स्वीकार करा। ऐसी पार्टी के साथ हमारे पूर्व सैनिक भी हैं और पूरा झुंझुनू मजबूरी है, बीजेपी को वोट दे नहीं सकते और इसलिए भरवट बोलू चाहे कोई सुनो, जाएंगे कहां मजबूरी, कहां जाएंगे मजबूरी है। अरे 6 फुट 4 इंच चौड़ी जगह अपनी आपको भाई बन गए, परिवार के सदस्य की तरह राजस्थान के विधानसभा में बैठ के आपको लगेगा कि आपके परिवार का सदस्य विधानसभा में बैठा है। और आपसे बताना चाह रहा हूं, आपको लगेगा कि आपका भाई, आपका अजीज दोस्त, जिस दिन आपको जरूरत हो मान लेना राजेंद्र भुट्टा साहब आपकी दी हुई ताकत के ब्याज से ब्याज लगा के तुम्हारी ताकत वापस लौटा दूंगा। 13 तारीख को वोट पड़ेगा, 23 तारीख को गिनती हो जाएगी और चौकदार चौक पर खड़ा होकर आपका भाई राजेंद्र भुट्टा घोषणा करता आपके बीच में किसी की माने दूध पिया तो 23 तारीख के साथ बाद में अब तब दादी का आधार पर मूर्खे का आधार पर नाम का आधार पर दोगला बर्ताव करके बता देना मेरा नाम राजेंद्र भुट्टा है। राजेंद्र गुड़ा को आज चौकदार समाज का समर्थन मिला, इससे वो थोड़े उत्साहित हैं और काफी उत्साह में वो भाषण दे रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी जैसे जैसे पोलिंग का दिन नज़दीक आता है, वोट पोलराइज होते हैं और अधिकांश लोगों की पैटर्न ये रहता है कि हारने और जीतने वाले नंबर वन नंबर टू के इर्द गिर्द वोट पोलराइज हो जाते हैं। तो उसमें क्या नंबर टू की पोजीशन जिसकी आती है वो जब मतदाताओं में ये बताने में ये समझाने में समर्थ हो जाता है कि मैं ही नंबर वन को हरा सकता हूँ तो वोट उधर पोलराइज हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या राजेंद्र गुड़ा ऐसा कर पाएंगे ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन वो कोशिश में लगे हैं, उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं। पर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ जाना, कौन स्वीकार करेगा, कितना स्वीकार करेगा, कौन सा समाज जाएगा उनके साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे और कांग्रेस के प्रत्याशी ओला परिवार का यहाँ पर लंबे समय से वर्चस्व है। अब बात करते हैं हम देवली उनियारा की। देवली उनियारा में जैसा मैंने शुरू में कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी बना ली है, जातीय समाज को पकड़ो और अपने संबंधित मंत्री को, संबंधित नेता को वहां डेरा डलवा दो। और देवली उनियारा में भाजपा का गुर्जर प्रत्याशी, कांग्रेस का मीणा प्रत्याशी नरेश मीणा वहां बगावत करके कांग्रेस से खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल जो सम्मेलन किया था, बहुत सारे लोगों को जोड़ा पार्टी में कांग्रेस से अपने साथ, दिया कुमारी इसमें मौजूद थी और प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। तो प्रभुलाल सैनी इस इलाके में बहुत बड़ा वर्ग है सैनी समाज का। मैंने कहा ना सैनी समाज झुंझुनू में भी है, सैनी समाज दौसा में भी है और सैनी समाज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जहाँ जहाँ सैनी समाज है, बीजेपी ने पूरे लंगर डाल दिए हैं सैनी समाज को अपनी तरफ लाने के लिए, चाहे वो भागचंद टाकड़ा हो, चाहे अविनाश गहलोत हो, चाहे फूल ये सैनी हो, प्रभुलाल सैनी इस वर्ग के वोटों को, क्योंकि कई बार ये अशोक गहलोत के अपवाद को छोड़ के बाकी वो बीजेपी के साथ रहे ट्रेडिशनली, तो ये वोट वो वर्ग है जो कि बीजेपी को जीत की तरफ ले आ सकता है। तो ये महसूस करके प्रभुलाल सैनी तो कल थे ही, लेकिन कन्हैयालाल चौधरी जो मालपुरा के विधायक है, जलदाय मंत्री हैं, उनको इस जगह पर जाट वोट बहुत हैं, तो जाट वोटों को कैटर करने के लिए उन्हें, और ये आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम ये आज डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये भी आज गए, बैरवा वोट भी बहुत हैं इस इलाके में, एससी वोट जिनको कहते हैं, लेकिन बैरवा खास तौर पे बहुत वोट हैं। और साथ में वहाँ पर हीरालाल नागर विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री, धाकड़ वोटों को कैप्चर करने के लिए, तो ऐसे बिल्कुल वर्ग और समाज को पकड़ पकड़ करके उनके जो लोग हैं, नायक हैं उनके, उनको समझाइश करके एक एक पूरे समाज को, वर्ग को जोड़ने की कोशिश में बीजेपी लग गई है। कांग्रेस में अभी देवली उनियारा सीट पर सचिन पायलट का आने का इंतजार है। सचिन पायलट ने कल दौसा में जमकर प्रचार किया था, फिर वो झारखंड चले गए 2 दिन के दौरे पर, कल रात तक वो झारखंड है, परसों लौटने के बाद वे देवली उनियारा जाते हैं या दौसा जाते हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि दौसा में तो अच्छा प्रचार करके आ गए वो, ये भी उनका संसदीय क्षेत्र है, तो टोंक भी
उनका विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो अभी विधायक हैं, तो वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं इस पर भी लोगों ने निगाह है। कांग्रेस को सचिन पायलट के आने का इंतजार है, लेकिन बीजेपी ने अपने तीन बड़े नेताओं को झोंककर लंगर डाल दिए और एक तीन तरह से समाजों को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही कोशिशें अलग अलग जगह पर हो रही हैं, रामगढ़ में भी होंगी जिसका मैं कल जिक्र करूंगा आपसे, और सलूमबर में क्या हो रहा है और 84 में क्या हो रहा है इसका भी हम कल तफसील से आपके सामने जिक्र करेंगे। पर सलूमबर और 84 की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी जिसे बाप कहते हैं उसने प्रत्याशी उतारकर मुकदमा त्रिकोणीय बना दिया है। 84 में तो विधायक राजकुमार रोत बाप के ही थे जो अब सांसद हो गए, इसलिए उनकी सीट पर प्रत्याशी उतरा है बाप का, लेकिन सलूमबर सीट कांग्रेस चाहती थी बाप हमें दे दे, वो समझौता नहीं हुआ। आज उन्होंने दावा किया है कि वो कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल देंगे। राजकुमार रोत सांसद बाप के, उन्होंने दावा किया है। खास बात यह कि यही कांग्रेस थी जिसने बाप को लोकसभा चुनाव में बिना मांगे भी समर्थन देके बांसवाड़ा जिताई सीट, राजकुमार रोत को जिताया, लेकिन उदयपुर ग्रामीण में वो समर्थन नहीं ले सके उनसे। और आज भी कांग्रेस उनके आगे लाचार है कि जिस पार्टी को उसने लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया जिताने के लिए भरसक प्रयास किया, वही पार्टी 84 और सलूमबर दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेलने का दावा कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा सांसद राजकुमार रोत ने। जब से 2018 ने जनता ने हमारे साथ दिया है और जनता ने मोर्चा संभाला है, 2023 का चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देख लो और अभी का जो चुनाव है, वही चीज है कि जनता स्वयं अपने इच्छा से जो जुनून के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं कि जीत तो है ही सी, लेकिन जो लीड मिली थी मुझे 69,900 की, वही लीड बरकरार रहेगी। उम्मीद से है राजकुमार रोत कांग्रेस तीसरे स्थान पर धकेल देंगे, ऐसा दावा किया उन्होंने। दरअसल उनका असली मुकाबला कांग्रेस से ही है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बाप। तो जब तक बाप कांग्रेस नहीं धकेलेगी या कांग्रेस बाप को नहीं धकेलेगी, वो मुख्य मुकाबले में नहीं आ सकती। और इस इलाके में जो जंग हो रही है वो इसी बात की जंग हो रही है कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ का जो इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, जहाँ पर इन दो जिलों में सरपंच से लेकर सांसद तक के 100% पद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सरपंच से लेकर सांसद तक के 100% पद रिजर्व हैं एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ कोई सामान्य वर्ग के लिए पद नहीं उपलब्ध है। चाहे सरपंच बनना हो, पार्षद बनना हो, चाहे जिला प्रमुख बनना हो, प्रधान बनना हो, विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, सिर्फ और सिर्फ एसटी के आदिवासी ही चुनाव लड़ सकते हैं दोनों जिलों में। और यहाँ पर सवर्ण वर्ग अक्सर कहना चाहता हूँ मैं, ऐसी वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है और कोशिश करता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोग वैश्य वर्ग की, ब्राह्मण समाज की, राजपूत समाज की, इनकी जुड़ी हुई पार्टी मानते हैं, उसकी तरफ उसका वो मुखातिब होता है। और उसका मुकाबला राजकुमार रोड की बाप से अगर है तो वो आदिवासी वर्चस्व, आदिवासियों की सुपीरियरिटी, उनका आधिपत्य बनाम गैर आदिवासी, चाहे वो चुनाव आदिवासी ही लड़ सकता है, इसलिए प्रत्याशी आदिवासी होगा बीजेपी का, लेकिन ये स्वरूप भी ले सकता है, ये मैं आज आपकी तरफ रेखांकित करना चाहता हूँ। और ऐसा स्वरूप जब लिया जाएगा तो फिर आदिवासी वोट और गैर आदिवासी वोट ध्रुवीकृत होगा। धीरे धीरे हम इस पर बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में कि क्या रूप ले रहा है वहाँ का चुनाव, आदिवासी इलाकों का, सलूमबर और 84 का। सलूमबर में खासतौर पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी को उतारा है, एक सहानुभूति लहर वहाँ देखने को मिल रही है बीजेपी को, उसका फायदा लग रहा है। लेकिन क्या बाप का मुकाबला, बाप की जो एक कट्टरपन और प्रतिबद्धता है आदिवासी हितों के प्रति, क्या उसका मुकाबला हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी और आगे बातचीत करेंगे तफसील से। नमस्कार।